नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अडवर स्टडी चैनल पर। फिर से दोस्तों आप सभी के बीच आज जो लेटेस्ट अपडेट के साथ हम बात करें दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। 69,000 के अंदर 31,661 शिक्षकों की नियुक्ति दी जा रही है। उसी के क्रम में यहाँ पर चयन सूची का लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। लखनऊ के अंदर अभ्यर्थी सड़कों पर होते हुए, रीजन दोस्तों आप सभी जानते हैं। मामला है दोस्तों चयन सूची से संबंधित, मतलब 67,867 चयन सूची के बारे में। यहाँ पर दोस्तों अभ्यर्थी ने आज विरोध प्रदर्शन किया है, जहाँ पे दोस्तों कहीं ना कहीं आगामी समय के अंदर सरकार की तरफ से 31,000 शिक्षकों को नियुक्ति देने की बात की जा रही है, जिसको लेकर शासन आदेश जारी हो गया है। जल्द यहाँ से नियुक्ति और अगर बात करें दोस्तों जो आपका काउंसलिंग का कार्यक्रम होगा वो जारी कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसे में जो MRC पीड़ित अभ्यर्थी हैं या फिर जिन अभ्यर्थी को ये लगता है कि इसके अंदर आरक्षण गलत तरीके से फॉलो किया गया है, उनकी तरफ से तमाम याचिका हाईकोर्ट के साथ साथ NCVC में लगी हैं। लेकिन ऐसे में अभ्यर्थियों की यहाँ पर दोस्तों बातों को ना मानते हुए सरकार ने भर्ती को शुरू किया है, उसी का यहाँ पर अभ्यर्थी विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लखनऊ के अंदर जहाँ पर दोस्तों बड़ी अपडेट देखने के लिए मिल रही है, अभ्यर्थी को पुलिस ने दोस्तों हिरासत में लिया। यहाँ पे भी दोस्तों आप सभी तमाम वीडियोस के माध्यम से देख पाएंगे, अभ्यर्थी को दोस्तों हिरासत में लेने की जो बात है वो सामने आ रही है, जिसके वीडियोस भी यहाँ पे दोस्तों देखे जा रहे हैं। आंदोलन को शिफ्ट करने की बात यहाँ पे की जा रही है। 31,661 पदों भर्ती के खिलाफ दोस्तों धरना प्रदर्शन आपको बताए यहाँ पर किया जा रहा है, उसी को लेकर अभ्यर्थी सड़कों पर उतरे हुए हैं, जिसके बारे में पिछले वीडियो के माध्यम से दोस्तों मैंने आप सभी को जानकारी दी थी कि यहाँ पर भारी मात्रा के अंदर पुलिस बल पहले से मौजूद है। SCERT पर धरना लेकर दोस्तों यहाँ पर अभ्यर्थी पहुँचे हुए हैं। तमाम जिलों से अभ्यर्थी दोस्तों एकत्रित हुए हैं। MRC के संबंध में NCVC की तरफ से रोक लगाए जाने के बाद ही भर्ती प्रक्रिया शुरू हो रही है। जल्द उम्मीद है कि यहाँ से दोस्तों SCERT से भी अपडेट देखने के लिए मिलेगी। लेकिन ऐसे में धरना प्रदर्शन दोस्तों कितना यहाँ पर प्रभावी रहेगा, क्या शासन प्रशासन की तरफ से इनकी बातों मतलब मांगों को माना जाएगा, वो भी काफी ज्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण रहेगा। लगातार आप सभी को जो अपडेट है दोस्तों ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। कुछ वीडियोस के माध्यम से दोस्तों आप सभी देख पाएंगे, लगातार अभ्यर्थी यहां पर धरना प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर दोस्तों अभ्यर्थी सड़कों पर उतरे हुए लगातार। लेकिन किसी भी
यार इंडिया टुडे से उनको भी आमंत्रित कर ले, ज़्यादा अच्छा है, वो पूछ नहीं पाए। हाँ लिखिए विजय भैया, विजय भैया आमंत्रित कर लीजिए उनको, इंडिया टुडे वालों को भी। सबके सब घर पर ही बैठे हैं, आए कोई नहीं है। आरक्षण आरक्षण नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, आरक्षण आरक्षण आरक्षण। हम एक हैं, हम एक हैं, 2022 में बताएंगे हम कौन हैं, 2022 में बताएंगे हम कौन हैं, 2022 में बताएंगे हम कौन हैं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। देखिए दोस्तों, पुलिस यहाँ पर रुकने नहीं दे रहे हम लोगों को। बोल रहे हैं कि यहाँ पर धरना नहीं होगा। कहाँ बता रहे हैं जाने को है? धरना कहाँ बता रहे हैं जाने को? कौन सा पार्क है वो? पता नहीं कौन से पार्क में बोल रहे हैं। अरे यार, इको गार्डन, हाँ इको गार्डन में यहाँ से मना कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि इको गार्डन जाइए, वहीं पर धरना नहीं है, वहीं पर धरना दीजिए, वहाँ पर कोई सुनने वाला भी नहीं है। आप लोग बस घरों पर बैठे रहिए, कुछ नहीं होने वाला है। सोच रहे थे कम से कम 1,000-2,000 लोग ही आ जाते तब भी बहुत भला हो जाता है। अरे सर क्या परेशानी है, हम तो शांति से बैठे हैं सर। यहाँ से पुलिस वाले ऐसे खदेड़ रहे हैं, कुछ पूछो नहीं, बस आप लोग शांति से घर पर बैठे रहिए, कुछ नहीं होने वाला है। देख रहे हो कैसे अकड़ रहे हैं पुलिस वाले। हर जगह बस गुंडागर्दी, गलती होगी यार सरकार को, गलती होगी, बहुत भारी गलती, गलती तो हुई है यार। एक्चुअली पता है अगर ज़्यादा लोग आ जाते तो जो है काफ़ी प्रेशर बनता, ऐसी बात नहीं है, ये लोगों के ना आने का नतीजा है। कान पर उठा बैठा जाए, गलती होगी कोर्ट देकर। R9 चैनल, भारत समाचार और जी न्यूज़ शायद, इतने तीन चैनल आ गए। अब इको गार्डन भेजना तो चाहते हैं लेकिन वहाँ कोई आएगा? वहाँ तो कोई सुनने वाला भी नहीं आएगा। वहाँ बंद कर देंगे, देख लीजिए दोस्तों ये भीड़ है, वहाँ गेट बंद कर देंगे। और क्या, वहाँ गेट बंद कर देंगे, कोई नहीं सुनने वाला। आप पड़े रहो 10-20 दिन, कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल, बस घरों में पड़े रहिए आप लोग, कुछ नहीं होने वाला है। नौकरी सबको चाहिए,
धरने में कोई नहीं आना चाहता है, ये संख्या है, देख लीजिए। बस यही एकता है हम लोगों की, खाली फेसबुक पर बस कमेंट करिए, पोस्ट करिए, बस उसके अलावा बल होता और संख्या बल होता तो आराम से बढ़िया प्रेशर बनता यार, मतलब कोई आना ही नहीं चाहता। ये देखिए, लड़कों से ज़्यादा तो पुलिस है।